हेलो फ्रेंड्स, तो ये है सीरीज का 7th पार्ट। इसके पहले के पार्ट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि मार्शल टूर्नामेंट अब शुरू हो चुका है और शाओफेन बिना लड़े ही अपने अगले लेवल पर चला जाता है। यही उसे मून क्लैन की सबसे खतरनाक फाइटर दिखाई देती है और वो उसकी खूबसूरती से बहुत इम्प्रेस होता है। पता चलता है कि इस फाइटर का नाम लुशुई है और इस राउंड में इसका मुकाबला ड्रैगन क्लैन के फाइटर फैंग से होने वाला है। फैंग खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि तुमसे लड़ना मेरे लिए गर्व की बात है। लुशुई अपने मास्टर की ओर देखती है जैसे कि उससे परमिशन मांग रही हो और कहती है कि हमें बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और तुम अपना अटैक शुरू कर सकते हो। फैंग ये सुनकर अपनी तलवार निकालता है, लेकिन उसके बहुत कोशिश करने पर भी लुशुई उसे अपने पास तक नहीं आने देती। फैंग भी इससे फ्रस्ट्रेट होने लगता है और देखता है कि दूसरे स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाने लगे हैं कि शायद एक लड़की को देखकर वो कमजोर पड़ गया है। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और इस बार वो अपनी फ्रीजिंग क्रिस्टल्स का यूज करता है जो लुशुई को चारों ओर से ट्रैप कर लेते हैं। एक दूसरी स्टूडेंट कहती है कि हमारी मास्टर लुशुई पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करती है, लेकिन कहीं ये मून क्लैन को डुबा ना दे। और इस पर उनकी सीनियर उन्हें बहुत डांटती है कि तुम्हें बातों से ज्यादा मैच में ध्यान लगाना चाहिए। उधर फैंग को लगता है कि उसने शायद लुशुई को बेबस कर दिया है और वो कहता है कि अब तक तुमने एक भी वार नहीं किया, लेकिन मुझे डर है कि अब तुम्हें इसका मौका भी नहीं मिलेगा। ये कहकर वो पूरी ताकत से उस पर अटैक करने आता है, लेकिन लुशुई अपने एक ही मूव से उस ट्रैप को डिस्ट्रॉय कर देती है और उसकी तलवार फैंग के फेस तक पहुंच जाती है। शाओफेन और बाकी लोग भी ये देखकर बहुत इम्प्रेस होते हैं, लेकिन फैंग इतनी जल्दी हार कैसे मान सकता था, और लुशुई की डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाने की सोचता है। तब लुशुई पहली बार अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालती है और इससे पहले कि फैंग कुछ समझ पाए उसकी तलवार टूटकर बिखर जाती है और वो खुद भी उठने लायक बिल्कुल नहीं होता। अनाउंसर बताता है कि लुशुई अब अपने अगले लेवल पर पहुंच चुकी है और वो अपने मास्टर को ग्रीट करके वहां से चली जाती है। सेंग शाओफेन से कहता है कि ये तो सुंदर होने के साथ साथ खतरनाक भी है और तुम्हें इससे बचकर रहना होगा। यही स्टेज पर हम कैंग सोंग को देखते हैं जो मून क्लैन के मास्टर युशी पर बहुत नाराज होता है कि तुम्हारे स्टूडेंट में बहुत एटीट्यूड है और उसे इस तरह फैंग की तलवार को नहीं तोड़ना चाहिए था। जिस पर युशी कहती है कि इसके लिए तुम्हें अपने स्टूडेंट को ब्लेम करना चाहिए, और ये सुनकर कैंग सोंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। बुई युशी से कहता है कि तुमने अपने स्टूडेंट को बहुत अच्छे से ट्रेन किया है और वो मून क्लैन की इस फेरी स्पोर्ट को सच में डिजर्व करती है। वो कहता है कि तुम्हारे फाइटर्स देखकर मुझे जलन हो रही है, लेकिन अभी तो टूर्नामेंट के बहुत से मैच बाकी हैं और उनका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। इधर शाओफेन लुशुई को घूर रहा होता है और सेंग को लगता है कि शायद वो उसे पसंद आ गई है, लेकिन शाओफेन इसे इनकार कर देता है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि सेंग की अगली फाइट शुरू होने वाली है और वो शाओफेन को छोड़कर वहां से चला जाता है। इसी तरह दूसरी फाइट्स के साथ जल्दी ही दिन खत्म हो जाता है और सारे प्लेयर्स एक ब्रिज के थ्रू एरिना से बाहर जाने लगते हैं। शाओफेन वहां रखे एक बोर्ड को चेक करता है जिस पर आगे होने वाली फाइट्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है और देखता है कि वहां लुशुई और लिंजर के साथ साथ उसका भी नाम है। उसे ये देखकर बहुत अच्छा लगता है और वो हुई से कहता है कि कल तुम्हें आकर मुझे चेयर करना होगा। फिर वो ब्रिज क्रॉस करके दूसरी साइड आता है और तभी उसे लिंजर की आवाज सुनाई देती है। वो खुश होकर उसे मिलने जाता है, लेकिन देखता है कि वो तो कीहाओ के साथ है। लिंजर और कीहाओ एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और हंस हंस कर बातें कर रहे थे। ये देखकर शाओफेन को बहुत बुरा लगता है और वो याद करता है कि कैसे बचपन में वो और लिंजर एक दूसरे के कितने करीब थे, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। अगला सीन एरिना का है जहाँ शाओफेन का मुकाबला विंड क्लैन के फाइटर शूहोंग से होने वाला है, लेकिन शाओफेन तो रात की बात से अभी भी उदास था और उसे लगने लगा था कि शायद सब लोग उसे बेकार समझते हैं। वो इन्हीं ख्यालों में था कि तभी शूहोंग उस पर अटैक कर देता है और शाओफेन देखता है कि इससे तलवार का ऊपरी हिस्सा टूट गया है। शूहोंग उससे हार मानने को कहता है ताकि वो खुद को एम्बैरेसमेंट से बचा सके, लेकिन शाओफेन पलटकर उस पर अटैक कर देता है। शूहोंग के लिए उसे रोकना बच्चों का खेल था और वो उसकी रही सही तलवार को भी तोड़ डालता है और एक ही किक से उसे उछालकर दूर फेंक देता है। वो शाओफेन से एक बार फिर हार मानने को बोलता है, लेकिन देखता है कि उसकी अकड़ तो जरा भी कम नहीं हुई। शाओफेन इस बार लड़ने के लिए अपनी स्टिक निकालता है और कहता है कि अभी ये फाइट खत्म नहीं हुई है। शूहोंग उसके वेपन का मजाक उड़ाने लगता है कि इस स्टिक से भला मुझे कैसे हरा पाओगे।
वो कहता है कि तुम डाजू क्लैन के लोग बहुत ही अजीब हो, जो ना जाने कैसे कैसे वेपन्स लाते हो, और वो भी तुम्हारा ही साथी था जो थोड़ी देर पहले डाइस से लड़ रहा था। यही शाओ फैन की नज़र लिंजर पर जाती है, जो अभी भी कीहाओ के ही साथ है, और ये देखकर वो उदास हो जाता है। इधर शू होंग अभी भी उसकी इंसल्ट कर रहा था, और ये सुनकर शाओ फैन को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी स्टिक लेकर शू होंग पर अटैक कर देता है, और हम देखते हैं कि उसके पास स्टिक को कंट्रोल करने की भी पावर है, जो बीच बीच में ग्लो कर रही है। शू होंग कहता है कि इन मामूली ट्रिक से तुम मुझे नहीं डरा सकते, और फिर उसके हाथ हिलाते ही उसकी तलवार चमकने लगती है। शाओ फैन को कुछ नजर नहीं आता, और इसका फायदा उठाकर शू होंग उसके हाथ को जख्मी कर देता है। फिर वो उस पर एक और ट्रिक आजमाता है, लेकिन हम देखते हैं कि शाओ फैन के ब्लड से वो स्टिक एक्टिवेट हो गई है, और उससे एक डार्क स्मोक निकलने लगा है। इसका इफेक्ट शाओ फैन पर भी पड़ता है, जिसकी आंखें अचानक से लाल हो गई हैं, और वो अपने अटैक से शू होंग को उठाकर बाहर फेंक देता है। सभी लोगों को ये देखकर बहुत हैरानी होती है, और शाओ फैन भी नॉर्मल होकर नीचे गिर पड़ता है। आगे हम डाजू क्लैन के बाकी मेंबर्स को देखते हैं, जिन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि शाओ फैन अपनी फाइट कैसे जीत गया, और वो भी शू होंग के सामने, जो इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए सबका फेवरेट था। वो बीशु नाम के एक मेंबर पर बहुत नाराज होते हैं, क्योंकि उसने शाओ फैन पर बैट लगाई थी, और उन्हें लगता है कि शायद वो उसकी सीक्रेट टेक्निक पहले से जानता था। तभी डेरन, शाओ फैन और लिंजर वहां आते हैं, जहां लिंजर उन स्टूडेंट से कहती है कि आखिर शाओ फैन पर बैट लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और बीशु को शाओ फैन से माफी मांगने को बोलती है। तभी उनसे मिलने बुई और सू वहां आते हैं, और बुई कहता है कि बाकी लोग अपनी प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, और तुम्हें भी अपना ध्यान ट्रेनिंग में लगाना चाहिए, क्योंकि किस्मत हर बार तुम्हारा साथ नहीं देने वाली। इस पर लिंजर कहती है कि हम किस्मत से ज्यादा अपनी स्किल्स के कारण जीते हैं, लेकिन बुई कहता है कि तुम्हें तो ये बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि तुम खुद भी नहीं जानती कि आखिर तुम वो फाइट कैसे जीती थी। फिर वो उसे उसकी अगली फाइट के बारे में बताता है, जो उसी मून क्लैन की फाइटर लूशुई से होने वाली है, और लिंजर कहती है कि उसे तो मैं अपने आप संभाल लूंगी। आगे बुई शाओ फैन को समझाता है कि ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की कोई जरूरत नहीं है, और आगे तुम्हारी फाइट्स टफ होने वाली हैं। बीशु उसे शाओ फैन पर यकीन रखने को बोलता है, लेकिन बुई उसे वॉर्न करता है कि तुम पर तो मेरी खास नजर रहेगी, और आगे से यहाँ कभी बैटिंग मत करना। अगले दिन शाओ फैन एरिना में आता है, जहाँ आज उसकी फाइट पेन चेंग से होने वाली है, जो सैंग की ही तरह सन क्लैन से है। सैंग कहता है कि मैंने उससे बात कर ली है, और अगर तुम हार मान लो तो वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। शाओ फैन उसे अपनी बकवास बंद करने को बोलता है, और सैंग कहता है कि मैं तो तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो जाओ और शौक से लड़ो, मैं यहाँ मंकी के साथ तुम्हारे लिए प्रे करूँगा। आगे हम उन दोनों फाइटर्स को आमने सामने देखते हैं, और शाओ फैन नोटिस करता है कि लोग अभी भी उसे कमजोर समझ रहे हैं। उसे अपने बचपन की ट्रेनिंग के दिन याद आते हैं, कि कैसे डेरन ने उसे बहुत अच्छे से सिखाया था। यही उसके बाकी सीनियर्स भी अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, और तभी मैडम सू वहाँ उन्हें चेक करने आती है। वो एक एक करके उन सब की अच्छी खबर लेती है कि तुम्हें अपने स्किल्स को और बेहतर बनाना होगा। तब डेरन शाओ फैन से मैडम को अपनी स्किल्स दिखाने को कहता है, लेकिन उससे पहले ही वहाँ लिंजर आ जाती है, जो कहती है कि एक अच्छी ट्रेनिंग के लिए माइंड से सभी थॉट्स और टेंशन को दूर करना होगा, और तभी आप उस चीज में कामयाब हो पाओगे। सू को ये सुनकर उस पर बहुत गर्व होता है, और फिर लिंजर शाओ फैन को भी अपने साथ प्रैक्टिस कराने लगती है। शाओ फैन इसके रिजल्ट्स देखकर बहुत एक्साइटेड होता है, और तभी हम बुई को वहाँ देखते हैं, जो कहता है कि हार्ड वर्क से तुम्हें हमेशा सफलता मिलेगी। प्रेजेंट में भी शाओ फैन इसी बात को याद करता है, और इससे उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। तभी पेन चेंग खुद को इंट्रोड्यूस करता है, और देखता है कि शाओ फैन ने अपनी स्टिक को रैप किया हुआ है। शाओ फैन कहता है कि ये तो मैंने तुम्हें चोट से बचाने के लिए किया है, और ये सुनकर पेन चेंग को बहुत गुस्सा आता है कि तुम सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हो। वो उसे चैलेंज करता है कि आज तुम्हारा हाल बहुत बुरा होने वाला है, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो अपना क्लैन छोड़कर तुम्हारा क्लैन ज्वाइन कर लूंगा। सैंग समझ जाता है कि इनकी फाइट सीरियस होने वाली है, और तभी पेन चेंग अपना अटैक शुरू कर देता है। उसकी फायर्स फोर्ड एरिना में आग लगाने लगती है, और जल्दी ही शाओ फैन उसमें ट्रैप हो जाता है। फिर पेन चेंग अपने अटैक की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने लगता है, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।